फ्रेंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिए तभी अच्छा लगेगा आप सभी को। चलते हैं फ्रेंड, सिलाई करती हूँ लेकिन उसके पहले सुई में धागा तो डालना पड़ेगा ही। नमस्कार, आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी अच्छी हूँ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह ब्लॉग देखने को मिले। तो यहाँ फ्रेंड चल रहे हैं, काफी दिनों से सोच रहे थे लेकिन टाइम ही नहीं लगता था, तो आज मैंने टाइम निकाल के ही चल रही हूँ, कर लेती हूँ क्योंकि वरना आज भी पड़ा रह जाएगा। कल मैं करने वाली थी फिर मेरा टाइम ही खत्म हो गया। ये देखिए ये देखिए कुप्पी वाला ब्लाउज, क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको बोलते हैं पैडेड रेडीमेड ब्लाउज। इसमें पैड लगा होता है यानी ऐसे ये, तो इसको मैं सिल के पहनूंगी। कैसा लगेगा ये कमेंट करके जरूर बताना। एक ये है, एक ये है, ये भी है। ये इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा अच्छा भी मेरे ऊपर लगता है, खिलकर भी इसका कलर आता है। और ये दोनों तो सेम ही है, इसमें भी बाजू है, ये देखिए नेट में बाजू है। तो तीन कलर मैंने मंगवाया है फ्रेंड। और चलती हूँ इसको सिलाई कर लेती हूँ, वरना कच्ची सिलाई मैंने देखा था तो बिल्कुल कच्ची सिलाई। इसमें तो फिर भी इंटर हुआ है, पर है तो कच्ची ही सिलाई, एक ही सिलाई है बाकी इंटर हुआ है। और इसमें तो देखिए सिलाई नाम से पैसे लिए, सिर्फ रेडीमेड मतलब जैसे बोलते हैं रेडीमेड वैसे ही। अगर इसको एक बार पहन लो थोड़ा टाइट हो तो ये बिल्कुल निकल के बाहर हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड इसको सिल लेते हैं, क्योंकि सिलाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वरना फिर इसको पहनना बेकार है। तो इसको तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये देखिए फ्रेंड, एक एक सिलाई ही और भी कच्ची सिलाई मारी हुई है, तब इसको मैं पक्की सिलाई मारूंगी। इसको अंदर ही झालर को कर देती हूँ, इसी तरीके से मैं इस पर पक्की सिलाई कर देती हूँ, क्योंकि जब तक पक्की सिलाई नहीं मारूंगी ना ये किसी काम का ही नहीं है। एक बार से दोबारा ये पहनने लायक ही नहीं रहेगा, इतना बेकार सिला है। फ्रेंड ये मत सोचना कि पू मैंने किया, मशीन ने किया मशीन ने किया पू खींचा है ना ऊपर से। एक दिन मैंने साड़ी में झालर लगाई थी लेकिन उस दिन मेरे को टाइम ही नहीं बचा था, नहीं उसी दिन सिलाई कर लेती, क्योंकि उस दिन मुझे ना खाना बनाने का लेट हो रहा। तो देखिए दोस्तों ये मैंने पक्की सिलाई मार दी है बाजू में। तो देखिए फ्रेंड मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड ये वाला सिल गया है और इसकी कोई जरूरत ही नहीं सिलने का, इसमें बाजू लगाना है। अभी टाइम लगेगा, किसी दिन फिर लगाएंगे। और इसमें का इतनी बड़ी बड़ी बाजू है ना कि आप भी घुस जाओ इसको ना थोड़ा छोटा कर रही हूँ। बाजू मुझे बिल्कुल भी इतनी पसंद नहीं आ रही, इतना बहुत ज़्यादा लूज है। और मैं जल्दी के कारण देखिए धागा भी सही तरीके से नहीं लगा रही हूँ, जो लगा है वही लगा के सिल रही हूँ। क्या टाइम ही नहीं मिलता, अकेली इंसान हूँ, घर में करने वाली बाकी तो खाने वाली और देखने वाले बहुत हैं, करने वाले कोई ना है। दौड़ानी रहती तो थोड़ा समय मिल जाता है लेकिन वो गई है गाँव। ये देखिए इतना मैंने मारा है, ये देखिए
फिर भी ढीली है, लेकिन ढीली रहती भी है ये, ऐसी बात नहीं, लेकिन जरूरत से भी ज्यादा ढीली थी। तो देखिए दोस्तों, जैसे बिना बना है वैसे मैंने सिल लिया है। ये यहाँ पे भी सिलाई मारा है, पर धागा गुलाबी था, थोड़ा दिख रहा है, ब्लैक कलर होता तो नहीं दिखता, और एक तरफ था लेकिन मैंने सोचा कि नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी दिख रहा है। तो फ्रेंड दोनों को सिलाई कर लिया है, टाइट भी कर लिया है। अब ये पहनने का मतलब का है, ये देखिए यहाँ से भी मैंने मार दिया है। तो ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, एंड करते हैं, नहीं ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड सिलाई कर रही थी ना, सिर्फ मान लो मैंने कटिंग नहीं किया, बाकी पूरा न्यू सिलाई किया है। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक का बाय। Love you.